कक्षा 11 के छात्रों का मेरे कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं वेक्टर एनालिसिस, और वेक्टर एनालिसिस में आज मैं पढ़ा रहा हूँ दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, ठीक है, वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अर्थात ए वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर हमारा बी है। तो दो वेक्टरों का जो सदिश गुणनफल है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। और दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल हम किसे डिनोट कर रहे थे, डॉट से। यही अंतर है, डॉट को हम अदिश से और क्रॉस को सदिश से व्यक्त कर रहे हैं। तो दो सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल होता है वो एक सदिश राशि होता है, ठीक है, और उनका जो गुणनफल होता है, दो सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल, उन सदिश राशियों के परिमाणों तथा उनके बीच ज्या, उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और सदिश राशि को हम जो है, ए सदिश राशि को हम क्या कर रहे हैं, उनका परिमाण और उनके दिशा से क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। दो सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल होता है वो सदिश राशि होता है और जिसकी दिशा उन दोनों सदिशों के उभयनिष्ठ तल की क्या होती है, लंबवत होती है, और जिसका निर्धारण हम किसके द्वारा कर सकते हैं, दक्षिणावर्त पेंच के नियम के द्वारा जिसका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है दिशा का निर्धारण। तो देखते हैं कि दक्षिणावर्त पेंच का जो नियम है बच्चों, इस तरीके से ये जो है, ये हम जो है हम दिखा रहे हैं इसको ए क्रॉस बी, मतलब ए वेक्टर दो सदिश राशियों का जो अदिश, दो सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल है, ए क्रॉस बी को हम किसे दिखा रहे हैं, सी से। तो इसको जो दिशा है उसको हम दिखा रहे हैं, ये एन वेक्टर है, ठीक है, एन वेक्टर एकांक वेक्टर, और इसको हम दिखा रहे हैं सी से। तो ए की जो दिशा है और बी की जो दिशा है, ए और बी, ठीक है, ए और बी का जो उभयनिष्ठ तल है, दोनों का उभयनिष्ठ तल ओ है, उभयनिष्ठ तल के लंबवत दोनों वेक्टरों का जो गुणनफल आया उसके बराबर होता है, मतलब उसके लंबवत होता है। दोनों वेक्टरों का जो उभयनिष्ठ तल के लंबवत, इसकी दिशा होती है सी की, अर्थात ए क्रॉस बी की जो दिशा होगी वो किसके लंबवत होगी, सी के लंबवत होगी, क्योंकि इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो क्या है, बिंदु ओ है, और इनके बीच जो कोण हो रहा है वो थीटा है। इन दोनों के कोण ज्या पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। इस तरीके से बच्चों हम इसको दिखाते हैं कि हमारे पास, हम कहेंगे कि माना हमारे पास जो है दो वेक्टर ए और बी हैं, जिनका परिमाण जो है क्या है, उनका जो परिमाण है, परिमाण का जो गुण है वो है ए बी है, और इनके बीच जो कोण है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। तो इनके परिमाणों और थीटा के, उनके ज्या के गुणनफल के बराबर हम इसको कहेंगे दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल, ठीक है। और जिसकी दिशा हम जो है दक्षिणावर्त पेंच के नियम से, हम जब इसको करेंगे दक्षिणावर्त पेंच का नियम, मतलब जब हम पेंच को घुमाते हैं इस तरीके से, पेंच को घुमा रहे हैं दक्षिणावर्त पेंच, पेंच मीन्स पेचकस, और इसको हम घुमा रहे हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब जिस समय घूम रहा है, ठीक है, दक्षिणावर्त पेंच के नियम से। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो ए से बी की ओर घुमा रहे हैं उसको, ए से बी की ओर घुमा रहे हैं, तो ए से बी की ओर घुमाने पर जो इसका जो जो बिंदु है, ये लंबवत बिंदु, उनकी दिशा जो है, बल कहां पे काम कर रहा है, सेंटर पे अक्ष पे काम कर रहा है, ठीक है। जब हम इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं तो बल कहां पे काम कर रहा है, सेंटर पर काम कर रहा है, इसके लंबवत काम कर रहा है, ठीक है, इस नोक पर काम कर रहा है। तो बच्चों ये हमने पढ़ा था, इसका जो दो सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल है, इसका उदाहरण हमने बल आघूर्ण से संबंधित पढ़ा था कि बल आघूर्ण
किससे कहते हैं, बल आघूर्ण होता है, टो बराबर एफ इंटू आर, मतलब किसी वस्तु के अक्ष के परितः लगने वाला बल और बल की क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है, क्रिया रेखाओं, ये बल काम कर रहा है, इसके जो लंबवत दूरी है, ये जो स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश, इस आर को क्या कह रहे हैं, स्थिति सदिश, और ये एफ क्या है, लगने वाला बल, बल और बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। जब हम दरवाजा बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो अक्ष के पर तो घूम रहा है, तो वहां पर बल और बल की क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है, दो, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है, ये इसका उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम जानना चाह रहे हैं दो सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल की गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी ये मैंने आपको मिटा दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, दो सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल है, उनके सदिश गुणनफल के जो प्रॉपर्टीज होती है, तो हमने ये बताया था बच्चों आपको, ये फिगर मैंने आपको बताया था, ये इसका जो है एन, ये एकांक वेक्टर था, ये सी था, परिणामी जो वेक्टर था जिनका दो वेक्टर ए और बी का गुणनफल है, तो ये कौन सा कोण बना, थीटा। अब ये थीटा बन गया, तो टोटल अक्ष के पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनता, 360, तो ये जो वाला जो कोण हो जाएगा, ए से बी हुआ थीटा, और बी से ए हुआ 360 माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा। आप समझ रहे होंगे, जब ए और बी के बीच जो कोण बना वो थीटा बना, तो बी से ए के बीच जो कोण होगा, ये कौन सा कोण होगा, ये होगा आपका, बी से ए के बीच जो कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो बच्चों पहला जो नियम है कि जो वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता है। जो कॉमोटेटिव लॉस होता है, हमने दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल में पढ़ा था कि वो क्या करता है, क्रम विनिमेयता के नियम का पालन करता है। यहां हम पढ़ रहे हैं क्रम विनिमेयता का पालन का नहीं करता है, क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अर्थात इसकी व्याख्या हम किधर कैसे करेंगे, इसकी जो व्याख्या है, माना हमारे पास ए क्रॉस बी है, हमारे पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये क्लियर है। अब चूंकि देखिए ए क्रॉस बी में जो थीटा होगा वो क्या होता है, एक दूसरे इसके क्या है, लंबवत है, तो थीटा हम क्या ले लेते हैं, थीटा हमारा जो है आ गया ए बी साइन थीटा। थीटा क्या लेंगे हम, ले रहे हैं यदि 90 डिग्री ले रहे हैं, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा आपका, ये जो है साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। अब यदि हम इसकी बात करते हैं बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा 360 माइनस थीटा, मतलब देखिए ए क्रॉस बी हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए हो जाएगा ए बी ए 360 माइनस थीटा। तो देखिए ये आ गया, ये सूत्र होता है बच्चों साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस बी ए साइन थीटा। अब आप देखेंगे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू, ये हो गया ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए,
कंडीशन क्या है कि इनका क्रम परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्रम क्या नहीं होना चाहिए? परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो अर्थात हम कह सकते हैं यह क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्लियर है। दूसरा, जो सदिश गुणनफल है, दूसरा सदिश गुणनफल वितरण के नियम का पालन करता है। सदिश गुणनफल किसके नियम का पालन करता है? वितरण के नियम का, वितरण के नियम का पालन करता है। वितरण के नियम का पालन करता है अर्थात यह हो जाएगा बच्चों, क्रम परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्रम क्या नहीं होना चाहिए? परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी धन सी बराबर ए क्रॉस बी धन सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी धन ए क्रॉस सी। ये क्या करता है? क्रम परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तो ये क्या करता है? वितरण के नियम का पालन करता है, ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट है कि ये जो है क्रम परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ए क्रॉस बी धन ए क्रॉस सी, ठीक है। अगला जो हमारे पास है बच्चों, अगला जो गुणधर्म इसका है, तीसरी चीज है कि यदि किसी वेक्टर का स्केलर से गुणा कर देते हैं, तो वेक्टर का यदि हम यहां से देखिए, यदि किसी वेक्टर का एम ए किसी वेक्टर का किससे गुणा कर दिया, अदिश से गुणा कर, किसी वेक्टर का अदिश से गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? गुणा करके ये हो जाएगा एम बी ए, ठीक है। दूसरा वेक्टर से हमने गुणा किया तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा एम बी हो जाएगा। अर्थात दो यदि किसी सदिश राशि का अदिश के साथ गुणा करते हैं, किसी सदिश राशि का अदिश के साथ गुणा करने पर उसका जो परिमाण निकलेगा वो उन सदिश राशियों के साथ क्या हो जाता है, उनके परिमाणों के साथ क्या हो जाता है, उसका गुणनफल हो जाता है, उसका गुणा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अगला है हमारे पास चौथा जो है, दो सदिश राशियां यदि एक दूसरे के लंबवत हो, दो सदिश राशियां यदि एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जैसे ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यदि एक दूसरे के लंबवत होते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। यदि ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, किस तरीके से एक दूसरे के लंबवत होते हैं ए और बी, ये ओ बिंदु है, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 और साइन 90 का मान 1। तो दो सदिश राशियों का, दो सदिश राशियां जब एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, तो उनका जो गुणनफल होगा, उनका जो रिजल्ट होगा, वो उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम कहेंगे कि उनके जो दो सदिश राशियों का जो अदिश गुणनफल होता है, ठीक है, दो सदिश राशियों का जो अदिश गुणनफल होता है उसके परिमाण के बराबर होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर ए बी, ठीक है। अगला जो है हमारे पास, यदि पांचवा हम बताएंगे बच्चों, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर, दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो इस तरीके से, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। आप देखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एन एकांक वेक्टर को दिखा रहा है, ठीक है। तो हम दिखाएंगे ए बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ए और बी क्या है, समांतर है। उस कंडीशन में ए क्रॉस बी
बराबर साइन जीरो का मान जीरो। यदि दो सदिश राशियां एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, तो उनका जो सदिश गुणनफल होगा वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अगला जो है हम बताएंगे बच्चों आपको, यदि छठवां है, यदि किसी सदिश राशि का उसी सदिश राशि में गुणा करने पर, ठीक है, उसी सदिश राशि में जो सदिश गुणनफल हो जाएगा, अर्थात एक सदिश राशि हमारे पास ये है और दूसरा हम जो है यही कर दे रहे हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम उसको लिखेंगे a square साइन थीटा। अब थीटा देखिए, माना एक सदिश है दूसरा सदिश भी यही है, उनके बीच कोण क्या होगा, समान है। यदि थीटा बराबर क्या होता है, जीरो होता है, तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, किसी सदिश का उसी सदिश से गुणा करने पर वो क्या हो जाता है, किसी सदिश का दो सदिश राशियों का मतलब किसी सदिश का उसी सदिश से जो सदिश गुणनफल हो जाएगा वो क्या होता है, हमारा शून्य होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा भी हमारे पास जो है, इसके पास हमारे पास दो जो सदिश हैं, जो एकांक जो सदिश हैं, एकांक जो समकोणिक सदिश हैं, एकांक समकोणिक सदिश बच्चों इस तरीके से, ये x है, ये y और ये z, ये i, j और k एकांक सदिश हैं, समकोणिक सदिश हैं। तो आप देख रहे होंगे ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष, ठीक है। इसमें जो है x अक्ष को हम i, y अक्ष को j और k को z कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, ठीक है, समकोणिक सदिश हैं, एक दूसरे के लंबवत ऑर्थोगोनल जो सदिश होते हैं। तो उसमें बच्चों हमने पढ़ा है कि दो सदिश, ये जो ये क्या होते हैं, ये चक्रीय क्रम चल रहा है, देखिए आई जे, जे के और के आई। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि दो एकांक जो सदिश हैं, एकांक सदिश आई क्रॉस जो जे होगा, या हम कह सकते हैं दो जो सदिश होंगे आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस I क्रॉस J ये हो जाएगा माइनस J क्रॉस I, I क्रॉस J इसको हम लिखते हैं माइनस J क्रॉस I क्रॉस J या J क्रॉस I, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। J K, J क्रॉस K इज इक्वल टू J क्रॉस K या K क्रॉस तरीके से k क्रॉस ये माइनस, इसका ये विपरीत दिशा में हो गया, माइनस k क्रॉस j, उसी प्रकार से k क्रॉस i और i क्रॉस k, k क्रॉस i, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस i क्रॉस k, ठीक है। इनका मान हमेशा क्या होता है, हमेशा इनका मान जो होगा वो क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा जो आई जे जे के, इनका मान हमेशा क्या होता है, वन होता है। ये एकांक वेक्टर का मान हमेशा क्या होगा, वन। इनका वैल्यू क्या होती है, वन होती है। क्यों होती है, देखिए आई क्रॉस जे को हम कैसे लिखते हैं, आई क्रॉस जे बराबर आई जे साइन थीटा, ठीक है। और थीटा क्या है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया, साइन 90 का मान आई जी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जे क्रॉस आई भी, ये भी क्या आ गया, माइनस वन। तो दोनों का जो इनका जो एकांक वेक्टर का मान है वो क्या है, वन है, ठीक हो गया। दूसरा, दो समकोणिक जो हमारे पास जो है आई क्रॉस आई, जो एकांक सदिश है, जो हमारे पास जो है समकोणिक एकांक सदिश, समकोणिक एकांक सदिश का
समकोणिक जो एकांक सदिश है, अगला जो प्रॉपर्टी है, समकोणिक एकांक सदिश का उसी सदिश से, समकोणिक एकांक सदिश का अगला जो है आठवां था, समकोणिक एकांक सदिश का उसी सदिश से, उसी सदिश से गुणा करने पर, समकोणिक एकांक सदिश का उसी सदिश से गुणा करने पर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, शून्य होती है। गुणा करने पर परिणाम शून्य होता है, शून्य होता है। जैसे आई क्रॉस आई, थीटा क्या है यहां पे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, मतलब ये हो जाएगा आई स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा क्या है, दोनों की दिशाएं का जीरो डिग्री, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू जीरो बराबर जीरो। उसी प्रकार से जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जीरो इंटू जीरो, क्लियर है। तो समकोणिक एकांक सदिश का उसी सदिश से गुणा करने पर हमेशा जो गुणनफल आता है वो क्या आता है, शून्य होता है। तो ये चीजें हमें हमेशा याद रखनी है बच्चों, ये हमने क्या रखना है, याद रखना है। अब जो हमारे पास हम अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों वेक्टरों का समकोणिक, जो वेक्टर है समकोणिक वेक्टरों का, वेक्टरों के समकोणिक घटकों, वेक्टरों के समकोणिक घटकों का उसी वेक्टर के साथ, वेक्टरों का वेक्टरों की समकोणिक घटकों का उसी वेक्टरों के समकोणिक घटकों, घटक कैसे, एक्स वाई और जेड अक्ष, ठीक है। वेक्टरों के समकोणिक घटक क्या होंगे, एक्स वाई जेड में हमने क्या करना है, इनके घटकों में वेक्टर का उसी वेक्टर से, वेक्टर का उसी, वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणा, उसी वेक्टर से जो सदिश गुणनफल हो जाएगा, सदिश गुणन फल क्या होगा ये देखना। अब देखिए ये वेक्टर है, माना ये ए है वेक्टर सपोज, तो इसकी जो दिशा है वो ये ए वेक्टर